इंडिया फर्स्ट यूएफएस का एक प्रैक्टिकल वीडियो देखें जी। अगर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की किस मॉडल पे देंगे, तो मेरा सर कौन सा मॉडल पे देंगे अब हम? ये हमारा सैमसंग की F41 मॉडल। बिल्कुल, थोड़ा यहाँ पे दिखाओ, उसमें हम क्या बताने वाले हैं। बेसिकली इस अडेप्टर का क्या यूज है, कैसे इसको करना है, और ये ही नहीं कि करेंगे कि आपको दिखा दिया, आपको पता नहीं चला, इवन आपको समझाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से रीड होगा, राइड होगा, क्या क्या राइड करना पड़ता है, क्या इसमें लगाएंगे, ये वाली इसकी भी पढ़ लीजिए। इसमें भी ऊपर लिखा हुआ है B01, पर यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर है KL, क्या आप देख सकते हैं। और हम एक IC का पहले बैकअप बना लेते हैं। और ये गियर 3 में कनेक्टेड हुआ। गियर 3 गियर होता है कि स्पीड अपना होता है कि किस गियर में चलेगा, किस गियर में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आने के बाद ये कितना स्पीड है नोट कर रही सर, थोड़ा 175/6/180/s, ये RGB की फाइल दोस्तों राइड हो रहा है। सीखने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों, यह हमारा जो स्टोरेज है, पहले की फोटो देखिएगा, पहले फोटो में हमारा, पहले वीडियो में देखिएगा कि 64GB का था, ये अब हो गया है 100। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल एसर टेलीकॉम से, और मेरे साथ में है मिलन सर, MMC एक्सपर्ट एसर टेलीकॉम की टीम की तरफ से। और यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं, सुनते हैं इनकी तरफ से। आज मैं आपको एकदम, शायद यूट्यूब में नहीं होगा, UFS के बारे में जो जानकारी दूंगा, शायद मैं फर्स्ट आपको दिखाऊंगा UFS के बारे में, UFI किट के साथ। सिर्फ अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं है ये, कि इसमें बॉक्स खोल दिया, ये कर दिया, ये दिखाऊंगा मैं, लाइव प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन पड़ेंगे, क्या नहीं इन्फॉर्मेशन पड़ेंगे। बाकी इसके बाद अगर जानकारी चाहिए तो हमारा क्लास ज्वाइन करना होगा, इसमें हमारा इंट्रो रहेगा किस तरीके से क्या होता है। बाकी आपको समझ में आता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो नीचे दी गई नंबर पर कॉल कीजिए और UFS के बारे में जरूर क्लास कीजिए। जैसे कि मिलन सर ने बताया कि आज हम आपको इंडिया फर्स्ट, क्योंकि हम इंडिया के अंदर ही है, इंडिया की बातें करेंगे, इंडिया फर्स्ट UFS का एक प्रैक्टिकल वीडियो देंगे जी। अगर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की किस मॉडल पे देंगे, तो मेरा सर कौन सा मॉडल पे देंगे अब हम? ये हमारा सैमसंग की F41 मॉडल। बिल्कुल, थोड़ा यहाँ पे दिखाओ, उसमें हम क्या बताने वाले हैं, हम दिखाते हैं आपको, हम आपको दिखाएंगे इसमें ना, इसमें जो स्टोरेज IC है, ये स्टोरेज IC 64GB की है। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड के लिए, ये रहा स्टोरेज, ये यहाँ पे कैलकुलेट में देख सकते हैं आप, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे 64GB की IC है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 64GB का। इस IC को मान लीजिए हमने इसको 128GB करना है, या 512GB करना है, या 1TB भी करना है, बिल्कुल अपग्रेड। और ये UFS लगी हुई है इसमें, और ये हम करेंगे ना JTAG से, ना मेडिसल से, ना मीपी टेस्टर से, ये हम करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट UFI के UFS किट से। बेसिकली इस अडेप्टर का क्या यूज है, कैसे इसको करना है, और ये ही नहीं कि करेंगे कि आपको दिखा दिया, आपको पता नहीं चला, इवन आपको समझाएंगे। जी जी बिल्कुल किस तरीके से रीड होगा, राइड होगा, क्या क्या राइड करना पड़ता है, क्या नहीं राइड करना पड़ता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल क्या लून है, क्या नहीं है, ये सारी चीज समझाएंगे। जैसे कि एक ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं आप, ये मान के चल लो जी जी, तो ये करेंगे, और इस फोन की मेमोरी को अपग्रेड करेंगे, UFS को अपग्रेड करेंगे, चेंज करके दिखाएंगे। 64GB है, और हमारे पास एक और IC है, IC दिखाइए, ये IC है, इस IC को हम अपग्रेड करेंगे, इस IC को दूसरे फोन से रिमूव किया। ये देखिए, इनमें दिखाइए IC, ये देखिए, ये देख सकते हैं,
ये जो आईसी है इसको इसमें लगाएंगे, और ये आईसी कितनी जीबी की है? ये 128 जीबी की है। तो ये कस्टमर की सबसे पहली डिमांड ये होती है आजकल के नए सेटों में कि ज्यादा जो जीबी कह रहे हैं या ज्यादा बेसिकली बड़ी मेमोरी चाहते हैं। फोन तो वो परचेस कर लेते हैं, पर वो चाहते हैं कि सर हम कम जीबी का खरीद लेते हैं मॉडल, क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है और उसको हम बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप ये सीख लें, क्योंकि ये भी सीखेंगे उसके साथ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी आने वाले सेटों में ज्यादातर क्या आ रहा है? यूएफएस आ रहा है। सो आपको यूएफएस का पहला लाइव अपडेटेड वीडियो देखने को मिल रहा है एसर टेलीकॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जाइए, सब्सक्राइब कर लो, अभी लाइक कर लो और इस वीडियो को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी आपको यूएफएस को हम पढ़वा देते हैं, इसका नंबर क्या है, और इसके यूएफएस को निकालेंगे, और निकालने के बाद मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ, मिलन सर को देता हूँ, फिर मिलन सर इसको समझाएंगे प्रैक्टिकली कि इसको फिर अपग्रेड करेंगे, और फिर मुझे वो आईसी देंगे और मैं इसमें लगाऊंगा और देखेंगे कि हमारा जो वर्क है वो डन होता है कि बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, KLUCG4JIED और ये सैमसंग है, और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर B0C1 लिखा हुआ है, तो आप ये देख रहे होंगे। और इसमें लगाएंगे ये हम आईसी इसमें लगाएंगे ये वाली, इसकी भी पढ़ लीजिए, इसमें भी ऊपर लिखा हुआ है B0C1, पर यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर है KLUDG4UIEA। तो बेसिकली ये आईसी हम चेंज करेंगे, और अभी हमारी आईसी ये लगी हुई है और हम इसमें ये लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ से फोन भी दिखा देता हूँ, देखिए पास से ये देखें, ये फोन आप देख लीजिए बिल्कुल पीछे से पूरा, यहाँ पर हर एक कॉम्पोनेंट अगर आपको क्लियर दिखाई देता है बाद में ये, क्योंकि हम कहीं भी मार्किंग कर ले, मार्किंग तो 10 फोनों में भी की जा सकती है। फोनों को आप बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पर, और उसका स्टेटस तो आपको पता चल जाएगा। तो हम इसको चेंज करने वाले हैं, तो चलिए इसको हम सबसे पहले आईसी को निकाल लेते हैं। फेस क्लीन हो चुका है, आप बोर्ड देख सकते हैं, एक बार मैं बोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम बोर्ड, आईसी निकाल दी हमने, तो हमारी आईसी निकल गई है। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस आईसी से बैकअप लेना है, और ये हमारी दूसरी आईसी है जिसको हमने ऑलरेडी रिवॉल्व करके रखा हुआ है, और जो हमने निकाला हुआ है इस A50 के बोर्ड से। अब इसके प्रोग्राम को भी हम दिखा देंगे, देखिए इससे निकाला हुआ है, तो हम इस आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए अब हमारी आईसी रिबॉल हो गई है, तो अब हमारे पास में दो आईसियां हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम एक आईसी का पहले बैकअप बना लेते हैं, और बैकअप लेके जो सारी प्रोसीजर है वो मिलन सर के थ्रू हम समझते हैं, और उन्हीं का काम है ये। तो यहाँ पर मैंने आईसी निकाल के मैं उनके हाथ में दे देता हूँ, और इसके बाद में देखिए मिलन सर, और पूरा इसको अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा समझ में आए, बाकी नहीं तो क्लास में आइए, और क्लास में तो आना ही पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन तो फिर कितना भी आप समझ लें उतना ही कम है। चलिए इसको कैमरा को ऊपर करो सर, ठीक है। तो सर ये है आईसी जी, बताइए। चालू कर,
सबसे पहली बात मैं नोट करवा देता हूँ आपको, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है सैमसंग की F41 कर ले, लेकिन दूसरे फोन का क्या होगा वो सोच के आप काम करेंगे। और मैं जो बोलूँगा अभी सैमसंग F41 में आप उसको करके देखिएगा, 110% सक्सेसफुल होगा, लेकिन दूसरे फोन में कैसे करूँगा उसको जानने के लिए आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो पुराना हमारा 64GB का IC है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ UEFI बॉक्स में। UEFI की जो UFS के टूल नया टूल किट आया है बहुत ज़बरदस्त है, और उसको हम सबसे पहले तो IC को लगा लेते हैं यहाँ पे। और IC को लगा लेने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। मैं यहाँ पे आने के बाद मैं अपना UFS टूल बॉक्स जो है इसको खोल लूँगा, और UFS टूल बॉक्स खोलने के बाद तो मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ये जो RX TX होता है UFS में बेसिकली RX TX की कनेक्टिविटी चलता है। यहाँ पे क्लॉक कमांड डाटा जीरो की 0 से लेकर 7 तक ये सब कनेक्टिविटी नहीं चलता है, ये हमारा RX TX की कनेक्टिविटी चलता है। सबसे पहले तो ये गियर 3 में कनेक्टेड हुआ। गियर 3 गियर होता है कि स्पीड अपना होता है कि किस गियर में चलेगा, किस गियर में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आने के बाद ये जो IC जो मेगा हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी लिया है 26 मेगा हर्ट्स लिया है। उसके बाद लिखा हुआ है एक सेकंड देखा, परमानेंट राइट प्रोटेक्शन डिसेबल है, पावर ऑन राइट प्रोटेक्शन डिसेबल, ठीक है, नोट करिएगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लॉक है, मतलब आप इसकी जो लून की साइज है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से डिसेबल लॉक आया तो इसको लून को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब अगर मैं इस IC को किसी दूसरे बोर्ड में लगाना चाहूँगा तो उसमें भी सेम लून की कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए तो ही मैं कर पाऊँगा। अगर छोटा बड़ा लून की साइज होगा तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे UFS सैमसंग ब्रांड की लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं लून 0 जितने GB की होगा, ये देख सकते हैं लून जीरो जितने GB की शो करेगा आपकी IC उतने GB की है। इस IC में बेसिकली 5 लून है। हमारी थ्योरी के हिसाब से UFS में बहुत सारा लून हो सकता है, अभी तो 5-7 लेटेस्ट में 7 देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे लून हो सकता है। उसको देखें लून 0 59.7 GB, बेसिकली ये जो है IC है 64GB की है, लून 1 4 MB है और लून 2 4 MB की। ये लून 1 लून 2 जो है ये आप UMMs के एग्जांपल अगर दें दूं मैं तो आप बूट 1 बूट 2 ले सकते हैं, ये जो चीज़ है, ठीक है। लून 3 लून 4 हमारे सिक्योरिटी पार्ट और बहुत सारे CPFS वगैरह वगैरह ये सारे फाइल आ जाता है। उसके बाद इसमें RPM भी सेक्टर होता है अलग से, लून के हिसाब से नहीं होता है। RPM भी सेक्टर जो होता है कि ये 32 MB की है, ठीक है ना, ये सेक्टर। तो उसके बाद आपको UFS IC जो है ये अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको हेल्थ की इंफॉर्मेशन शो कर देगा, आपको ये नहीं करेगा कि आपको मैनुअली चाहिए और हेल्थ चेक करिए, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो A और B जो है इसकी जो मेमोरी है ये 10% यूज हुआ है, और डिवाइस लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन जो है ये नॉर्मल है, मतलब ये IC बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन है, एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं सैमसंग F415F, मतलब F41 में लगा हुआ था, ये एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आ जाता हूँ मेरे काम में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं पार्टीशन को थोड़ा ये कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लून की सारे साइज है। तो ये लून जीरो 1 2 3 4 पांच लून है। पांच लून में हम सबसे पहले तो सारे लून नहीं रीड करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे 1 to 4, मतलब 4 लून रीड करेंगे, और हमारा लून जो जीरो है क्योंकि ये 59.64 GB की है, अगर इसको हम रीड करेंगे तो ये पूरी की पूरी रीड होगा 64 GB, हमें 64 GB नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्टोरेज से चेंज करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए डिफॉल्ट में नहीं क्लिक करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे क्लियर सिलेक्शन, मतलब इसमें हम जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हुआ है इसको हटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लियर सिलेक्शन में क्लिक करने के बाद ये जो 4 लून है इस 4 लून में क्लिक कर लेंगे, और इस 4 लून को हम रीड कर लेंगे। क्या बोले, रीड करने के टाइम पे अगर एरर आ रहा है, देखिए बहुत फास्ट काम करता है ये, देखिए
एक सेकंड में रीड हो गया। तो यहाँ पे इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस फोल्डर को जैसे मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने तो चार फाइल रीड किया लेकिन आया यहाँ पे पांच फाइल। देखिए जैसे ही आप यूओ फाइल में आप EXTCHT फाइल जो रीड करते हैं ये सिर्फ वही चीज है, कंफिगरेशन चीज। ये कंफिगरेशन ऐसा एक फाइल है EXTCHT ऐसा। और यूओ फाइल में क्या होता है कि अगर हम रीड करेंगे उसको तो वो रीड होगा, लेकिन इसको आप अगर एक बार रीड करेंगे लून को ये ऑटोमेटिक कंफिगरेशन फाइल रीड हो जाएगा। और इसी कंफिगरेशन की फाइल के अंदर ही क्या रहता है कि आपका मोबाइल में कितने लून है क्या है सब कुछ इसी में ही रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम जैसे ही बोले थे कि आपकी लून जीरो की साइज जो है हमारा कितना था, लून जीरो की साइज 64GB की था, तो हम इसको कस्टमाइज करके हम रीड करेंगे। सबसे पहले तो क्लियर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन में क्लिक कर देते हैं और ताकि सारा क्लियर हो जाए, और लून जीरो में क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1GB डंप रीड करें, 1GB लून रीड करेंगे। आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 1GB क्यों रीड करना है, कितना रीड करना है, ये सारी चीज आपको क्लास में ही मिलेगा कहाँ क्या रीड करना है। जैसे मैं इस लून को अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे भी बहुत सारी चीज है, ये सारे प्रसिस्टेंट वगैरह लाना दिखाना सो भी जो भी चीज है ये क्या है, CPFS EFS ये सारे क्या है, क्या चीज है, क्या काम करता है, ये सारे पार्टीशन की क्या काम है, ये सारी चीज मैं आपको क्लास में ही दूंगा, ठीक। उसके बाद आता हूँ मैं यहाँ पे लून जीरो को मैं कस्टमाइज कर लूंगा, हमेशा कस्टमाइज करूंगा, यहाँ पे 1GB करूंगा और देखिए कितनी स्पीड में रीड हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आप देख सकते हैं ये रीडिंग स्पीड 100 Mbps पर सेकंड रीड हो रहा है। यहाँ पे जो है ये 7.29GB कुछ रीड हो रहा है, ठीक है, 7GB से ऊपर 8GB रीड हो रहा है, हमें इतना नहीं चाहिए। मैं आपको सिर्फ स्पीड दिखाने के लिए, क्योंकि 1GB फाइल 10 सेकंड में रीड हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ रीड के स्पीड दिखाने के लिए आपको मैं ट्राई किया कि ये स्पीड क्या है UFI की, जो UFS टूलबॉक्स है रीड की स्पीड है। अगर आप UFI का UFS टूलबॉक्स परचेस किए हैं, अगर रीड करने में दिक्कत हो रही है तो क्लॉक को, ये जो क्लॉक है इस फ्रीक्वेंसी को आप हमेशा 19 MHz में सेट करिए रखिएगा दोस्तों, 19 MHz में सेट करके रखेगा इसको क्लॉक को, नहीं तो आपका एरर मस्ट भी आएगा और बॉक्स की कनेक्शन हर बार की तरह डिस्कनेक्ट होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सिर्फ इसीलिए रीड किया, ये जो 7.29GB ये एक फुल डंप है, मतलब ये वर्किंग टाइम है, अगर मैं इसको फिक्स राइट कर दूंगा और फ्लैश कर दूंगा बोर्ड में तो ये मोबाइल फोन पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको रीड होने देते हैं, देख सकते हैं स्पीड नोटिस कीजिए इस चीज को। ये कम से कम मैंने जितने भी ट्राई किया है 220 Mbps पर सेकेंड मुझे मिला है, लास्ट 220 Mbps लास्ट मुझे मिला है। तो इसको रीड कर लेते हैं, आठ जीबी की फाइल रीड होने के लिए 1 मिनट 46 सेकंड लगा मुझे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में भी नहीं लगा मुझे रीड हो गया 8GB की फाइल। ओके, ये हो गया मेरा बैकअप। उसके बाद मैं आपको दूसरे आईसी, एक A50 के आईसी में प्रोग्राम है, A50 के प्रोग्राम है और उसको इरेज करेंगे और उसमें राइट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर खोल कर रखा हूँ जो हमारा जो लून जीरो जो है, हमने ये सारे चीज रीड किए हैं, पूरा चीज रीड किए हैं, ये बैकअप है। और ये मैं ये आईसी को खोल रहा हूँ, पुराने आईसी को मैं खोल रहा हूँ और अपना जो 128GB मुझे करना है जो उस आईसी को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको रिकनेक्ट करना होगा। मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे रिसेट बटन दबा देता हूँ, आप चाहे तो उसको रिकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो रिसेट बटन दबाने के बाद हम फिर से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा इसकी जो स्पीड होगा ये क्लॉक की जो होगा ये 19 MHz में रहे, ठीक। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं ये जो भाई है 11.3 मोड में कनेक्टेड हुआ, 26 MHz में कनेक्टेड हुआ, ये सैमसंग की जो है UFS है और इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं 119.20GB, मतलब ये 128GB की आईसी है
और इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए लॉक है, फिर भी ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो हम चेंज कर सकते हैं। अदर स्विच ये अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग होता तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं ये जो मॉडल है A507 का है, मतलब A50 का है, मतलब A50S का है ये IC। हम इसको सबसे पहले तो इरेज करते हैं। देखिए इरेज करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सारे पार्टीशन में होगा, मैं टिक लगा दूंगा और टिक लगा सिर्फ इरेज में क्लिक करूंगा, इरेज UFS। अब देखिए कितनी क्विक ये इरेज कर देता है, लून जीरो इरेज हो रहा है, बहुत जल्दी इरेज कर देता है। लून जीरो इरेज में प्रोसेसिंग डन हो गया, लून वन लून टू डन हो गया। मैं फिर से इसको आइडेंटिफाई करूंगा, हमारा जो एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन है ये गायब है, मतलब ये बहुत क्विक काम करता है। ठीक, अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमारी जो EXT60 फाइल या कॉन्फ़िगरेशन फाइल था इसको यहाँ पे ऐड करना होगा और बाकी सारे लून को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक, देखिए किस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इसकी लोकेशन को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ये सारे लून मैं सेट कर लिया और उसके बाद सिंपली मैं इसको राइट करूंगा। अब राइटिंग का भी स्पीड देखिए कितना स्पीड है, नोट कर रही सर थोड़ा 175.6180 पर सेकंड। ये 8GB की फाइल दोस्तों राइट हो रहा है, 8GB की फाइल राइट हो रहा है, स्पीड देखिए आप। यही चीज JTAG में कितने में होती, यही चीज सर JTAG की बात करें तो 4 Mbps 5 Mbps मतलब टाइम लगता है जी। जबकि इसमें कोई स्पेशल एडाप्टर नहीं लगाया अलग से, जो भी है यही बॉक्स के साथ कनेक्टेड है जी, जी, जी। कोई स्पेशल केबल भी नहीं आया है इसकी, है ना। बस बस, लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, टाइप 3.0 होगा उसी आपकी सिस्टम में जो 3.0 USB है उसी के साथ आपकी UFS जो टूल किट है उसको कनेक्ट करना है। ठीक, देख सकते हैं हमारा फाइल बहुत कम टाइम 42 सेकंड, मतलब मैं बात करूँ तो 1 मिनट भी नहीं लगा, मेरा पूरा कंप्लीट राइट हो गया। और सिंपली मैं आइडेंटिफाई करूंगा, आइडेंटिफाई करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा मॉडल नंबर आ गया है। तो देख सकते हैं हमने इसी को प्रोग्राम कर लिया है। बाकी दोस्तों इतना नहीं है UFS में, मैं बताऊं आप रीड राइट सिर्फ नहीं है, इसमें बहुत कुछ इतना जानकारी है आप सोच नहीं सकते हैं। UFS बहुत लंबा चौड़ा है और सिर्फ इतना नहीं है, इस डिस्क्रिप्शन लॉक को कैसे खोलेंगे, OTP लॉक क्या है, इसकी फर्मवेयर अपडेट क्या है, इसकी वर्जन क्या है, अपडेट होगा तो क्या होगा, डाउनग्रेड होगा तो क्या होगा, मैं क्या डायरेक्ट किसी IC को उठा के लगा सकता हूँ, या पुराना वर्जन में क्या वर्जन देखना है, ये सारे चीज हमें जानना जरूरी है, पूरी चीज जानना जरूरी है। अभी मैं AIC सर को देता हूँ और सर को देने के बाद मैं EIC सर को दूंगा और EIC सर बोर्ड में फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद हम USB से फ्लैश करेंगे इस मोबाइल फोन को और आपको दिखाएंगे कि ये मोबाइल जो है हमारा 128GB हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं EIC खोल रहा हूँ और ये 128GB EIC का वर्जन दिखा दो यहाँ पर इनको जी, जो हमने पहले दिखाया था। देखिए ये जो है ये वही वाला IC है, देख सकते हैं ये वही वाला IC है, हम इस IC को बोर्ड में फिक्स करेंगे अब बाकी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारे मिलन सर हैं उन्होंने हमें मुझे EIC दे दी है। EIC का नंबर मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ और नंबर भी पढ़वा देना चाहता हूँ। सो आप इस नंबर को क्लियर देख पा रहे होंगे तो मैं इसको एक बार पढ़वा भी देता हूँ जैसे मैंने पहले किया था। यहाँ पर KLUDJ
G4UIEA ऊपर लिखा है BOCI, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं। ठीक है, मैं मिलन सर को देना चाहूँगा ये लो सर। अब इसको लगाते हैं हमारे फोन में और फोन में चेक करवाता हूँ मैं आपको। अगर आपके फोन डायरेक्ट डाउनलोड मोड में आ रहा है तो भी आप USB से सिर्फ नॉर्मली प्लस कर दीजिए, और अगर आपके फोन चालू हो जा रहा है तो आप इसको हार्ड डिस्क मार के इसकी यूजर डाटा को रिसर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा फोन जो है लोगों में आ चुका है, और हम देखते हैं ये क्या हो रहा है अभी आगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। देख सकते हैं ये सेकंड लोगो में आ गया है। तो ये थोड़ा बेसिकली टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसमें प्रोग्राम किए हैं। तो अगर इसका अभी भी स्टोरेज जो साइज है ये रिसाइज नहीं हुआ होगा, हम इसको USB से प्लस करेंगे या हार्ड डिस्क करेंगे। दोस्तों और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब तक लोगों में है फोन, एक UFS में एक शानदार चीज़ है ये UFS ISP अडप्टर। जो UFS ISP अडप्टर है ये अडप्टर के थ्रू आप जो है ना इसको ISP के थ्रू भी मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। UFS चीज़ को जो ऑनलाइन फ़ोन आ रहा है ओप्पो F5 2020, A9 2020, जो भी मार्केट में UFS चिप है जिसका अनलॉकिंग करने के लिए JTAG यूज़ कर रहे हैं, उसको भी आप इससे बहुत आसानी से CPU ड्रिल करके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ सीखने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें, और कोर्स की डिटेल्स जो है जानकारी लें हमारे MD सर कॉल उठाएंगे, और 12 से 5 के बीच कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद ज़रूर इसके बारे में मतलब ये सारी चीज़ काम सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन जरूर सीखें। और हम अपनी लोकेशन बता देते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कॉल करके लोकेशन कहाँ है, तो ये हमारी जबलपुर मध्य प्रदेश में है जी। और जबलपुर मध्य प्रदेश में हमारी कोई ब्रांच और उसके अलावा हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है, तो बिल्कुल मत पूछिए सर दिल्ली बॉम्बे, और यहाँ कोविड का कोई सीन नहीं है। बड़े शहरों में कोविड का सीन हो सकता है, महानगर होते हैं, बट हमारे यहाँ कोविड का ऐसा कोई सीन नहीं है। और इसे टेलीकॉम ज्वाइन करने वाले हर एक एक स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि वो एक वैक्सीन जरूर लगवा लें। जी जी, हम सब वैक्सीनेटेड हैं और हम चाहेंगे कि स्टूडेंट भी वैक्सीनेट हो। बिना वैक्सीन के आप अलाउ नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा, मतलब आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो जो भी आपने सीखा है दोस्तों, अभी तो फिलहाल ये हमने किसी कस्टमर के सेट पे नहीं किया है, ये हमने अपने खुद के सेट पे किया है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को,
क्योंकि अब तक यूएफएस में किसी ने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है और एसर टेलीकॉम हमेशा अपग्रेड रहा है। आपने हमेशा देखे हैं, देखा होगा कि हर साल एसर टेलीकॉम ने नई नई चीज लाई है, आपको नया 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 चीज आपको सिखाया है। सो हमने सोचा कि क्यों ना यूएफएस के बारे में भी अपग्रेड किया जाए। बिल्कुल। और जो बैकअप के स्टूडेंट आना चाहेंगे जो हमारे पास आए, तो वो एमडी सर को, उनके पास उनका नंबर होगा, डायरेक्ट एमडी सर को कॉल लगाएं और अपनी बैकअप की सीट लें। और बैकअप की सीट में अगर आपको यूएफएस के बारे में सीखना है तो आप पहले यूएफएस परचेज जरूर कर लें। जी 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 बिल्कुल। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीख के तो जाएंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं 2 महीने बाद ले लूंगा, 1 महीने बाद ले लूंगा, तब तक आपके दिमाग से वो सारी चीज उतर जाएगी। तो ये छोटी छोटी देखिए चीजें हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है। हमको इसलिए नॉलेज है क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है और ये सारी चीजें हमने खुद देखी हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों को लगता है क्या होगा, मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद ले लूंगा, पर ये नॉलेज ऐसा नहीं है, इसमें डेली प्रैक्टिस चाहिए। एकदम सर। शुरू में 2-3 बार कर लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाता है, फिर उसके बाद भले 2 महीने नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, फिर भी हर दिन करना है प्रैक्टिस। तो जो भी बैकअप के लिए आ रहे हैं, अगर वो यूएफएस सीखना चाहते हैं तो यूएफएस एडेप्टर साथ में लेकर आए, है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा फोन अभी भी सेकंड लोगों में रुका हुआ है, तो हम जल्दी से इसको फ्लैश कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से मैं फ्लैश कर रहा हूं, ऑडियन मोड में लेके सिर्फ ऑडियन से ही फ्लैश करूंगा। इसे मैं दिखा दूं छोटे लैपटॉप। पहला एक वीडियो है जिसमें 2 टीचरों ने आपस में मिलकर बनाया है, हाँ? ये कुछ नया करने की कोशिश की है, समझ में आ रहा है? इससे पहले तो किया है। नहीं, पर उसमें अपन किए हैं, पर उसमें पूरा काम तुम किए। अच्छा हाँ। हाँ बनाता ना, अगले साल ही बनाता। हाँ बनाता ना, सेम अपने टी शर्ट पहन के, चमकीली टी शर्ट पहन के। बोलो। डाउनलोड मोड में आ गया है, बोलिए हम। आप डाउनलोड मोड जो है हमारा हो गया है और इसका पोर्ट भी कनेक्टेड हो गया है, पोर्ट कनेक्टेड हो गया है और सिंपली मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा। देख सकते हैं हमारा फोन अभी फ्लैशिंग हो रहा है। अगर मिलन सर ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस वीडियो को देख के वो हमें कॉल लगाएंगे और ये बोलेंगे कि सर हमें आता है काम, सारा काम आता है, सिर्फ हम ईएमसी में फंस रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को पहले आप क्या हिदायत देंगे कि उनको क्या आता है, मतलब क्योंकि आप डायरेक्ट किस तरह के ईएमसी के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहेंगे आप? देखिए सर, अगर मैं बोलूँगा मुझे सब कुछ आता है तो ये गलत बात है, और बाकी मैं अगर बोलूँ कि अगर आप सिर्फ ईएमसी का काम करने सीखने आएंगे, मान लीजिए मैं आपको तो एमएमसी प्रोग्राम सिखा दिया और आपको मैं प्रोग्रामिंग सिखा के यहाँ पे 2-4 सेट आपका बना भी दिया, लेकिन घर जाने के बाद मान लीजिए कि आप एमएमसी खोले और पास में एक कंपोनेंट हिल गया या एक एलडीओ जो है वो ख़राब हो गया, और जो एक रजिस्टर है जो उखड़ गया, एक कैपेसिटर है, जो बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर होते हैं जो एमएमसी के पास में है जो सीरीज में लगा हुआ होता है, जो उसके बिना मोबाइल फ़ोन कभी नहीं चलेगा, तो आप सोचेंगे मैं सर तो सब कुछ प्रोग्रामिंग भी सही कर रहा हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी फोन क्यों नहीं चालू हो रहा है? तो ये सारे कंपोनेंट हार्डवेयर, मान लीजिए मैं एमएमसी खोल रहा हूँ, नीचे एक आईसी लगा हुआ है और किसी कारण वो आईसी हीट हो गया, तो उसमें क्या जीआर आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारे चीज हार्डवेयर में आता है, तो ये सारा चीज जानना जरूरी है। और अभी की डेट में जो टेक्नीशियन है 5-5, 10-10 साल वाले, उनको क्या एक गलत फैमिली लेकर बैठे हुए हैं, यूट्यूब से जो कुछ काम कर पा रहे हैं, कुछ आईसी वाईसी उठा लेते हैं, उनको क्या गलत फहमी है? उनको गलत फहमी ये है कि हम सब जानते हैं, ये गलत बात है। हाँ जी। क्योंकि इस लाइन में सीखना जो है वो एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हम आज एक सीखते हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो 2 कदम आगे चला जाता है, और सबको जानने के लिए पहला बेसिक मजबूत होता है घर। जी एकदम। अगर नीचे की बुनियाद आपकी सही रहेगा तो ऊपर आपने कितने भी फ्लोर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बेस मजबूत नहीं है तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब को वीडियो देख के काम तो कर पाएंगे लेकिन वही पर्टिकुलर मॉडल में, दूसरे मॉडल में नहीं। अब क्यों रजिस्टर शॉर्ट करने पर मोबाइल फोन चालू हो गया, उस रजिस्टर कंपनी दिया क्यों था, किस लिए दिया था, क्या क्या था? देख सकते हैं यहाँ पे फोन फ्लैश हो गया है और ये फोन जो है ना अभी रिस्टार्ट होगा, तो ये इसको रिस्टार्ट होने के लिए देते हैं।
तो ये सारी चीज जो है ना बेस मजबूत करना जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर कोर्स कर रहे हैं यहाँ तो यहाँ पे फुल कोर्स करिए तो ये अच्छा मजा आएगा। और अगर लाइव देखना है तो क्या करें बताइए? लाइव देखना है तो हमारे एशिया टेलीकॉम की जो है ऑफिशियल फेसबुक पेज है जो एशिया टेलीकॉम के नाम पर है, आप डेली क्लास को लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट का रिव्यू क्या है। और हम ये नहीं है कि आते साथ हाँ स्टूडेंट कैसे हैं ये सब नहीं करते हैं हम हमेशा आते हैं क्लास के एंडिंग पॉइंट में या कुछ चीज समझाने के बाद बिल्कुल, ताकि उनसे पूछा जा सके कि जो हमने पढ़ाया है भाई आप समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया किसी भी इंस्टीट्यूट वालों के लिए। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे इंडिया में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे लेकिन कोई डेली लाइव नहीं आते हैं। लाइव आते भी है तो क्लास के बीच में, लेकिन कभी भी क्लास के एंडिंग पॉइंट में नहीं आते हैं, लास्ट क्लास में कभी नहीं आते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज डेली तो कभी भी नहीं आते हैं क्लास के एंडिंग पॉइंट में तो कभी नहीं आते हैं। अगर क्लास के एंडिंग पॉइंट में आ भी जाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हैं। अच्छा मैं एक और सवाल है क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है तो किसी भी पर्सन का एक वीडियो देख लेता है इंस्टीट्यूट का, तो उसको इंस्टीट्यूट में बेसिकली क्या देखना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस देखें या ना देखें, उसकी उसका एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं है, मतलब क्या आपके हिसाब से एक टीचर में होना चाहिए? सर ये जो फील्ड है इसमें दो तरीके से लोग होते हैं, एक काम करता है और एक करवाता है। आपको देखना होगा ये काम इस लाइन में करना एक अलग बात है और उसी काम को दूसरे के दिमाग में डालना एक अलग बिल्कुल। तो आप देखिए जो टीचिंग एक्सपीरियंस किसका है और क्या लाइव काम कर रहे हैं, कितना हार्डवेयर मतलब प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, ये सारी चीज देख सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में आप कम से कम 9-12 घंटे की क्लास, मल्टीपल टीचर होना जरूरी है, एक सिंगल टीचर क्या पढ़ा सकता है क्या बताइए? कभी नहीं वो कितना हद तक बहुत हद तक दे नहीं पाएगा सर कभी भी। मैं अगर बताऊं कि मैं सब कुछ पढ़ाना चाहूंगा, हार्डवेयर पढ़ाना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर पढ़ाना चाहूंगा और ईएमएमसी की भी पढ़ाना, तो बेस्ट नहीं दे पाओगे किसी एक में, किसी भी में बेस्ट नहीं हो। अगर आप बेस्ट आज दे रहे हैं ईएमएमसी में, क्योंकि आज आप एक्सपर्ट क्यों बुलाया जाता है ईएमएमसी में, क्योंकि आपका पूरा फोकस ईएमएमसी में, मेरा सिर्फ टॉपिक है ईएमएमसी से रिलेटेड जो भी काम है। और जहाँ पे जो देवेंद्र अग्रवाल है वो केवल क्या पढ़ाते हैं? हार्डवेयर पढ़ाते हैं। हार्डवेयर में आपको ऐसी ऐसी चीज मिलेंगी जो आपको यूट्यूब के कहीं पर भी आप नहीं देखे होंगे। बिल्कुल, जो एक आईसी टू आईसी जो एंडलेस होता है, आईसी एक बेसिकली एक लाइन में के मैं बात कर रहा हूँ, अब स्पीकर की लाइन बात कर रहा हूँ। आप देखे होंगे स्पीकर अगर काम नहीं करता है तो आप पावर आईसी चेंज करते हैं, क्यों उसकी ऑडियो आईसी क्यों नहीं चेंज करते हैं? ये क्या लाइन है? आप अगर बीप मापेंगे ना तो पावर आईसी से सीधे एम्पलीफायर आईसी तक आता है, उसके बाद क्या काम? क्योंकि वो लाइन यहीं तक एंडिंग नहीं है, उसके बाद आईसी के थ्रू होके और कहीं जा रही है। तो ये सारी चीज सीखना बहुत जरूरी है, किस वजह से लाइन घटा हुआ है, ये सारी चीज देखना बहुत जरूरी है। मैं ये सारी चीज सीखने के लिए आप देख सकते हैं हमारा फोन जो है ना कम्प्लीटली चालू हो चुका है फ्लैशिंग के बाद, और हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं और जल्दी से जल्दी और आपको दिखाते हैं इसमें जो है हमारा जो स्टोरेज बड़ा है कि नहीं बड़ा है। ठीक है तो कर लेते हैं इसको फटाफट। सिक्योरिटी भी दिखाना है उसे। ये देख सकते हैं हमारा फोन कंप्लीटली चालू हो चुका है और मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सेटिंग और आपको दिखाऊंगा मैं स्टोरेज। सर्च कर लेता हूँ स्टोरेज, सिर्फ दोस्तों ये जो है ना स्टोरेज आईसी हमने चेंज किए हैं, आप चाहे तो इसके रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं। वो सारी चीज सीखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो स्टोरेज है, पहले की फोटो देखिएगा, पहले फोटो में हमारा पहले वीडियो में देखिएगा कि 64 GB की था, ये अब हो गया है 128 GB। ठीक है,
तो मैं ये सर 128 GB में आपको इसकी सिक्योरिटी भी चेक करवा देता हूँ। सिक्योरिटी भी बिल्कुल ओके है, ये देख सकते हैं हमारा सिक्योरिटी जो है ना बिल्कुल ओके है अभी, है ना। तो ये हमें हमारा फ़ोन वर्किंग फुल वर्किंग है। तो थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और दूसरे को भी सीखने को मौका दीजिए और UFS के लिए ज़्यादा जैसे हमने आपके साथ शेयर किया। जी बिल्कुल, हमने भी खोल के दिया ना आपको। जी जी जी, हमने जिस तरीके से आपको दिया इसी तरीके से आप वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद जरूर लाइक करिएगा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?